कि शर्म छोड़ो, झिझक छोड़ो और अपना स्वास्थ्य अपनाओ। कि गांवों के जो अस्पताल हैं उन्हें हम गोद लेते हैं, सबको बताया इसको पीने से कैंसर होता है, मगर मुझे नहीं लगता कि हमारे 80% लोग को वो शर्म आती होगी जाके दुकान से खरीदते हुए। तो ऐसा क्यों, जब उन्हें वो चीज जिससे उन्हें पता है कि इतनी बड़ी बीमारी होने वाली है और वो बीमारी खरीद के ला रहे हैं, जब उस चीज में उनको झिझक नहीं हो रही, तो फिर इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी पुरुष या महिला को झिझक होनी चाहिए। हम एक गांव में गए थे तो हमने उसके बाद जब सब लोगों को एक एक पैड डिस्ट्रीब्यूट किया पैकेट, उसके बाद हमने सबको कहा कि सब लोग इसको ऊपर उठाएं, हम सबकी फोटो खींचेंगे। राम राम, मैं सुदेश थे, देख रहे हो झलको बीकानेर। जिया की धन ध्यान है कि अपा गाँव गाँव की यात्रा कर रहे हैं और गाँव में जिसकी मूलभूत समस्या है, अगर बात थारबी गांव में है तो थे माने जरूर संपर्क करो, कॉन्टैक्ट के माध्यम हूँ, कमेंट के माध्यम हूँ, किया भी थे मारू संपर्क कर सको हो। अगर चैनल पर नया हो तो चैनल ने ढेर सारो प्यार दे दियो। बीकानेर के इतिहास हूँ ले गए, आज गए सामाजिक काम करने वाला जीता भी लोग है, बट टलने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो आज अपने सा गए डॉक्टर साहब जुड़ेड़ा है, तो आंसू आप बात करांगा। बीसू पहला थाने बता दिया, आंगो थोड़ा सो परिचय दे दिया कि मतलब गाँव गाँव जागे और पैड वितरण कराया हा कि ए अखबार की सुर्खियों ले गए, सोशल मीडिया की सुर्खियां में छाया रहा है। तो आऊं आपा बात करांगा। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम। आपनो नाम बताओ पहला, तो नाम के हैं? मैं डॉक्टर आशु मलिक हूं और मैं रेलवेज में सीनियर डिविजनल डेंटल सर्जन के पद पर कार्यरत हूं। अपने रेलवे अभी अपन जो की डिपार्टमेंट में है वो रेलवे डिपार्टमेंट? हाँ, ये रेलवे डिपार्टमेंट का ही है। हाँ, वैसे मैं दांतों की डॉक्टर हूँ और दांतों का रेलवे में इलाज करती हूँ, और बस ऐसे ही इलाज करते करते धीरे धीरे मैं अलग अलग संस्था के साथ जाकर, क्योंकि रेलवे तो मेरा एक नौकरी है, उसके अलावा मैं जैसे चाहती थी कि कुछ करूँ, तो मैं बाहर जाकर शुरू शुरू में सिर्फ दांतों का मुफ्त में लोगों को जानकारी देना, इलाज करना, फिर धीरे धीरे देखा लोगों में गुटखा पान ये सब खाने से कैंसर वगैरह बहुत फैल रहा है, तो उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दे के उससे छुड़ाने के लिए कोशिश किया करती थी। तो जिया की दर्शक भी जानना चाहा है और मैं भी जानना चाहा हूं कि थे जो सुर्खियां आया जद, मतलब गांव गांव की यात्रा करने की मन में क्या आ गई, मतलब विचार क्या आए हो? देखिए, ये तो मैं सोचती हूँ कि मेरा ये काम है, रेलवे में नौकरी कर रही हूँ, काम है जिसके लिए मुझे तनख्वाह मिलती है और यहाँ पर सब काम करती हूँ। उसके अलावा चाहती थी कि देश के लिए या अपने सोसाइटी के लिए, अपने जो लोग हैं उनके लिए कुछ किया जाए। तो जब मैं दांतों के लिए चेकअप कैंप करते थे हम लोग, उसके लिए जाती थी, या फिर साथ साथ हम ये गुटखा वगैरह के लिए सबको सिखाया करती थी, तब हम लोग गाँव में जाते थे क्योंकि वहाँ लोग बहुत इसका सेवन करते हैं। तो वहाँ जाने पर हम लोगों ने धीरे धीरे देखा कि यही जगह है जहां असली में मुझे अच्छा लगता है कि मैं वहां कुछ कर पाती हूं बिना किसी किसी चीज के कि मुझे कुछ मिलेगा, वहां पर असली सेवा में वही कर पाती हूं। तो उसमें मैं इसलिए गांव में जाने लगी। गांव में शर्म माना है और भारत में शर्म माना है, एक पर ये पर पिक्चर भी बनेड़ी है, तो मतलब ओ थारे मन में किया भी पैड वितरण कराया जाए? वो ऐसे हुआ कि मैं महावीर इंटरनेशनल बीकाना वीरा केंद्र है उसकी सदस्य बनी, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे कार्य कर रहे थे, तो उसमें कार्य करते करते उन्होंने देखा कि मैं बहुत अच्छी तरह कार्य करती हूँ लगन से डी एडिक्शन पे और दांतों पे, तो उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट का को डायरेक्टर बनाया, और वो प्रोजेक्ट था प्रेगनेंसी टू इन्फेंसी। उसमें हम क्या करते हैं कि गांवों के जो अस्पताल हैं उन्हें हम गोद लेते हैं, और वहां जितनी महिलाएं आती हैं जिनका हीमोग्लोबिन या वजन बहुत कम है, उनको हम हर महीने जाके एक खाने का पैकेट देते हैं खाने के लिए कि वो खाएं, और हर महीने उनकी जाँच कराते हैं ताकि वो सही हो उनकी जाँच, और हम उनको पूरा अच्छी तरीके से उनका देखभाल करते हैं। उसी बीच हम लोगों ने एक शुरू किया सास बहू सम्मेलन, तो उसमें हम क्या करते थे कि जो महिलाएं थी और उनकी सास थी, क्योंकि उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि प्रेगनेंसी से लेकर बच्चा पैदा होने तक कैसे कैसे ध्यान रखना है, तो हमने उनका एक सास बहू सम्मेलन शुरू करा। तो हर महीने उनके लिए आपस में बातचीत करना, उनसे हमारा भी उनके साथ अच्छा एक रिश्ता बनता था, तो वो हमने शुरू किया, और वो करते करते धीरे धीरे देखा कि पैड के बारे में बहुत कम जानकारी है जो गाँव में है, सब वहाँ कपड़ा इस्तेमाल करते हैं या अलग अलग तरीके, और जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूं तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा कैंसर इसी तरफ होता है महिलाओं में, तो उसके लिए हमने कार्य शुरू किया। फिर लगा कि अगर हम जानकारी देते हैं तो उससे उनको इतना समझ में नहीं आता जब तक वो एक बार खुद इस्तेमाल करके नहीं देखें कि कितना फर्क पड़ता है।
तो उस तरीके से हमने ये शुरू किया। फिर पहले एक बार रेलवे की तरफ से भी हम लोगों ने, जो महिला समिति है रेलवे की, उसके थ्रू भी हम लोगों ने हमारे सेंटर से कई सारे पैड्स मंगवाए और वो हम लोगों ने वितरण शुरू किया गाँव वगैरह में जाके या स्कूल कॉलेजेस में लड़कियों को समझा कर उधर। और फिर अभी जैसे हम बीकाना वीरा है महावीर इंटरनेशनल की तरफ से, वहाँ से एक बहुत बड़ा स्तर पर ये प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें हम देश भर में जितने भी हमारी संस्थाएं हैं अलग अलग जगह इसकी ब्रांचेज हैं वो सारी शाखाओं में हम लोगों ने इसको शुरू किया। और मई में एक दिन आता है जब ये वितरण का ही डे माना जाता है, सैनिटरी पैड्स डे। तब तक हमने सोचा है कि हम लगातार कुछ जगह जो हमने चिन्हित की है वहाँ समझाएंगे भी और उनको बार बार इस चीज़ के लिए प्रोत्साहन देंगे कि वो इसका इस्तेमाल करें। कि हम लोगों ने अपने जो हमारा ये योजना है इसका नाम गरिमा योजना रखा है और इसमें उसका सबसे बड़ा जो कोट लाइन है वो यही है कि शर्म छोड़ो, झिझक छोड़ो और अपना स्वास्थ्य अपनाओ। तो ये हमारा स्लोगन है जो हम हर जगह बोलते हैं। उसमें सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, महिलाओं को किसी भी कमरे में या कहीं हम सब एक साथ बैठ जाते हैं और फिर हम उनसे बातचीत करते हैं। तो हम उनसे फिर इस तरीके से बातचीत करते हैं ताकि उनकी वो शर्म जो है वो हटे इस ऊपर। जैसे हम खुद अपना, हम महिलाएं जो भी जा रही हैं हम लोग, हम अपना हाथ ऊपर करते हैं कि आप पैड इस्तेमाल करते हैं, हाथ ऊपर करिए, अब आप बताइए आपको ऐसा, आप आपस में बात करते हैं कि नहीं, नहीं करते। तो हम धीरे धीरे उनसे एक दोस्ती बना के उनकी झिझक हटाते हैं और फिर उनको हम, क्योंकि हम सब जानते हैं कि क्या परेशानियां होती, क्या वो हम परेशानियां उनके साथ आत्मसात करते हैं कि देखिए ये ऐसा होता है, तुम्हारे भी किसी के तो होता होगा। तो शुरू में हमने देखा है कि महिलाएं बहुत झिझकती हैं और हाथ ऊपर उठाने में भी उन्हें शर्म आती है। तो फिर हम धीरे धीरे उनका पहले हाथ ऊपर उठवाते हैं ताकि उनकी इस चीज के लिए एक बार शर्म उठे। और वही वाली बात है, जैसे एक कदम बढ़ाएंगी तो फिर आगे चलेंगी, कदम ही नहीं बढ़ेगा तो फिर आगे मुश्किल है। फिर हमने देखा है कि धीरे धीरे हम ऐसे करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, एक एक महिला को बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो किसी को कोई तकलीफ होती है ना तो फिर वो शुरू करती है बोलना कि मेरे यहाँ ना थोड़ा सा ऐसा तकलीफ है। तो एक जब शुरू होती है ना उसको देखने से फिर हमने देखा है कि जितनी बैठी होती हैं सब धीरे धीरे अपने सवाल पूछ लेती हैं। मेडिकल स्टोर की बात कर लें कि मेडिकल स्टोर जी हाँ सिटी में ले लें, आप बीकानेर सिटी के अंदर बात कर लें तो बहुत सी लड़कियां हैं जो कि शर्म कौन करे, बे जावे और पेड़ लेके आ जावे, लेकिन मतलब गाँव में अजय तक भी बे पेड़ है जिसका आपके आदमियों के द्वारा मंगवाया है और आदमी भी ने अखबार में पैक करके ले जावे है। तो मतलब ये चीजा देखने भी आई है और कई बार न्यूज़पेपर में भी चीज आई है और तो इन बारे में थारो के कहना है। उसके लिए भी हमने प्रयास किया था, अभी हम एक गांव में गए थे तो हमने उसके बाद जब सब लोगों को एक एक पैड डिस्ट्रीब्यूट किया पैकेट, उसके बाद हमने सबको कहा कि सब लोग इसको ऊपर उठाएं, हम सबकी फोटो खींचेंगे, ठीक है। तो सब लोगों को बहुत शर्म आई कि अरे ये चीज उठाएंगे करेंगे। तो उस तरीके से हमने कहा कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो एक चीज है जो शारीरिक रचना है अपनी, सबकी शारीरिक संरचना है। जैसे हम लोग सारे लोग सवेरे जाते हैं, सब लोग वॉशरूम जाते हैं, सब होते हैं, तो उस तरीके से ये भी एक है जो एक नॉर्मल चीज है जो हर किसी के साथ होता है। तो हमने उनको ये चीज उनके साथ शेयर करी और सबको बोला कि इसको ऊपर उठाइए और ऊपर उठा के सब जोर से बोलिए कि झिझक छोड़ेंगे और शर्म छोड़ के ये हमारा हक है और इसे ऊपर हाथ करके फोटो खींचिए। और जकी यहां के इसका क्या अपन नौजवान है बने थे के कहना चाहो और सागर सागर पुरुष प्रधान हो के कहना चाहो थे। देखिए पहले तो सबसे पहले महिलाओं को ही बोलना चाहूंगी, चाहे लड़कियां हैं महिलाएं हैं, कि आप सब एक दूसरे के साथ रहें। अगर एक दूसरे के साथ रहेंगे तो कभी भी कोई तकलीफ नहीं आएगी, एक दूसरे से दोस्ती से बात करेंगे और इस चीज़ की शर्म नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा, जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वॉशरूम जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारा शरीर बना है और ये भी चीज़ एक नेचुरल है जो हर महिला के साथ हर माह होती है। तो इसमें हमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि हम इसे शर्म करें, क्योंकि ये तो हर किसी के साथ होता है। तो हम इसे अपने एक बॉडी का, जैसे किसी को जुखाम हुआ, खांसी हुई, उस तरीके से ये भी इधर हम लोग इसका देखभाल करें। हम अपने समाज की या अपने घर की देखभाल तभी कर पाएंगे जब हम पहले खुद स्वस्थ होंगे। अगर हम स्वस्थ हैं और हमारा शरीर सही काम कर रहा है तभी तो हम अपने परिवार वालों की देखभाल कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपना ध्यान रखें, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, इसकी तरफ से शर्म छोड़कर अपना हक मान के इसको इस्तेमाल करें ताकि आपको बीमारी ना हो। और पुरुषों से भी यही कहना चाहूँगी कि आजकल ऐसा नहीं है, ज़्यादातर बच्चे भी स्कूलों में या गाँव में सबको इसके बारे में ज्ञान है, सबको मालूम है कि माहवारी आती है, माहवारी हर महिला को होती है। तो इसके ऊपर उसे एक मजाक का पात्र है, मजाक की चीज़ या उसको ये सब ना मानते हुए एक नॉर्मल
माने, जितना हम इसको नॉर्मल मानेंगे उससे हम इस चीज से हट जाएंगे, क्योंकि कोई बीमारी या कोई चीज तब तक रहती है जब तक उसको अपन छुपा के रखना चाहे या कुछ है, तब लगता है कि अरे कुछ अलग है, छुपाया क्यों जा रहा है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसे हमें छुपाया जाए, ये तो एक शारीरिक संरचना है, हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। हम इस चीज को जब इस चीज से उभारेंगे तो अपने आप ये एक, जैसे आज एक टॉपिक है जिस पर हम बात कर रहे हैं, तो शायद ये टॉपिक नहीं रह जाएगा, एक नॉर्मल चीज रहेगी। और किसी भी महिला को या पुरुष को मुझे लगता है दुकान में जाके झिझक नहीं होगी। क्या मैं यही चाहती हूँ कि मतलब कहना चाहूंगी, जैसे हमारे पुरुष लोग हैं, कई लोग सिगरेट पीते हैं कुछ है, तो मुझे नहीं लगता कि सबको पता है ये बुरी आदत है, सबको पता है इसको पीने से कैंसर होता है, मगर मुझे नहीं लगता कि हमारे 80% लोग को वो शर्म आती होगी जाके दुकान से खरीदते हुए। तो ऐसा क्यों, जब उन्हें वो चीज जिससे उन्हें पता है कि इतनी बड़ी बीमारी होने वाली है और वो बीमारी खरीद के ला रहे हैं, जब उस चीज में उनको झिझक नहीं हो रही, तो फिर इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी पुरुष या महिला को झिझक होनी चाहिए। वो अच्छा काम कर रहे हो, मतलब एक दिल नू आवाज की बाकी आवाज आई। देखिए मुझे लगता है कि मेरा हमेशा एक ही चीज़ सोचना है कि इस संसार में आए हैं तो जो हम काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो ड्यूटी है वो सब करते हैं। बचपन से एक ही बात हमेशा मेरी माँ ने मुझे सिखाई थी कि जो हमारी ड्यूटी है वो तो हम कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं वो चीज़ असली में चीज़ है। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी ड्यूटी तो पूरा कर ही रही हूँ, इसके अलावा जो थोड़ा बहुत समय मिलता है उसमें, जैसे मैंने ये संस्था जो हमारी महावीर इंटरनेशनल बीकानावीरा है वो इसीलिए ज्वाइन किया था कि मुझे एक रास्ता मिला अपने तरफ से कुछ समाज के लिए करने का। और जब मैं कहीं करती हूँ, चाहे एक 50 की भीड़ हो उसमें से 2-3 महिलाएं ही अगर समझ जाती हैं तो मुझे बहुत एक अच्छी सी फीलिंग होती है, एक बहुत अच्छा लगता है कि चलो हमने कुछ इस समाज के लिए कुछ अपने तरफ से योगदान। देखिए ये मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मीडिया ही एक चीज़ है जो हर चीज़ को किसी भी पॉजिटिव तरीके से, उसको सकारात्मक तरीके से उसको सबके सामने पेश कर सकता है। आप इस तरफ प्रयास कर रहे हैं कि ये तो बिल्कुल बहुत ही प्रशंसनीय चीज़ है, क्योंकि आपके थ्रू लोगों के पास जब ये धीरे धीरे मैसेज जाएगा और सबको जाएगा, तो शायद जो हमारा सपना है कि हम इस चीज़ की झिझक खत्म करें लोगों की और इस चीज़ के लिए उनकी शर्म को ख़त्म करें, वो चीज़ में हमारा बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ से जो योगदान है वो बहुत ही ज़्यादा रंग लाएगा और हमारा शायद जो मिशन है उसमें हम कामयाब हो पाएंगे, मगर आपके मदद के बिना तो नहीं हो सकता जी। और मैं थाने पूरा विश्वास दिलाऊँ, हाँ आश्वासन ही को नहीं कि जद भी थे इसो कोई काम करोगा, झलको मीडिया बठे पहुंचने की जरूर कोशिश करेगा और तमाम झलको नेटवर्क की तरफ, तमाम टीम की तरफ थाने ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं कि थे बहुत बढ़िया काम कर रहे हो और मारे से बात करने लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने मुझसे ये बात की और हम जो लोगों की तरफ एक मैसेज देना चाह रहे हैं वो आप लोगों के थ्रू हम दे पाए। धन्यवाद। तो ए हाँ अपने सागर डॉक्टर साहिबा आंसू मलिक, आंसू आपा बात करी कि समाज में जो को वो बीड़ो उठा रखे है वे बहुत चंद लोग हैं और बी वास्ते झलको मीडिया भी समाज सेविका ने या समाज सेवक जीता भी है बाने ऊपर लाने की कोशिश करे ताकि वे मोटिवेट हो सके और ताकि आम लोगों तक बांगी कोशिश है जकी जा सके। अगर थारी नज़र में भी इसो कोई है या इसी कोई महिला है जो को समाज सेवा के लिए काम कर रहे है तो इतने हमारे कमेंट के माध्यम जरूर बताओ, मैं बैठे पहुँचने की जरूर जरूर कोशिश करांगा। जय राजस्थान, जय हिंद, जय बीकाना।